सभी छात्रों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। सातवीं कक्षा में विषय हिंदी में आज हम एकम छः का अभ्यास करेंगे। अगले क्लास में हमने एकम छः का अभ्यास किया था, अब अगला अभ्यास हम इस क्लास में करेंगे। अगले क्लास में हमने देखा विक्रम साराभाई का जन्म, उसका जीवन, जब वो छोटे थे उसे किस तरह के काम पसंद थे, वह साहसिक कार्य करते रहते थे, वो उसे दसवीं की परीक्षा 1934 में पास की। उसने दो विषय में दिलचस्पी थी, गणित या भौतिकी, और मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ वह विवाह सूत्र में बंधाते हैं। और उसके आगे के तास इसके आगे के तास में हमने अभ्यास किया था कि जो अंतरिक्ष से आने वाले कॉस्मिक किरणें हैं, उस कॉस्मिक किरणों में अभ्यास करने में विक्रम साराभाई ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और उसके मत से जो ब्रह्मांड से आने वाले कॉस्मिक किरणें हैं उसका अच्छी तरह से जो अभ्यास करना है तो कुछ ऊंची चोटियों की जो पर्वत है ऊंचा, उस पर प्रयोगशाला बनाकर इसका अभ्यास किए जाए तो अच्छी तरह से अभ्यास किया जाए। और प्रयोगशाला उसने छोटे मोटे प्रयोग करते रहे जब तक वो जब भारत देश में उसने अहमदाबाद में प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और वो जब तक जिंदा रहे तब तक वो अहमदाबाद की प्रयोगशाला में छोटे मोटे प्रयोग करते रहे। और उसको ऐसा लगा कि भारत देश में वस्त्र उद्योग की अछत न पैदा हो, इसलिए उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च की स्थापना की अहमदाबाद में। और उसने जो कॉस्मिक किरणों का अभ्यास करने के पश्चात उसने कई ग्रहों पर खगोल का शास्त्र का अभ्यास किया है, सूर्य ग्रह तारा प्लाज्मा सभी पर उसने अभ्यास किया। और इन सब अभ्यास से भारत देश को दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान में सफलतापूर्वक जो कार्य करते रहे। और भारत देश को जो ये सब मिला है वो सब विक्रम साराभाई के इन साहसिक कार्यों से भी मिला है। डॉक्टर होमी बाबा के सानिध्य में आने के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग संस्था में वो काम करने लगे। और जब वे परमाणु ऊर्जा आयोग संस्था में काम करने लगे तत्पश्चात डॉक्टर होमी बाबा का मृत्यु हो जाता है। और उसके पश्चात डॉक्टर विक्रम साराभाई पूरी संस्था की जिम्मेदारी खूब निष्ठापूर्वक निभाते हैं। और इन सब का श्रेय भारत सरकार ने, जो हमें छोटे मोटे भारत सरकार ने जो विज्ञान का प्रयोग छोटे मोटे विक्रम साराभाई ने कर भारत सरकार के हित में खूब साहसिक कार्य किए हैं। और भारत सरकार ने उसे कई पुरस्कारों से उसे सम्मानित किया है। अब हम इस एकम का आगे का अभ्यास करेंगे। 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिलते हैं। इन सब कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का पुरस्कार देता है। 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण अलंकरणों से नवाजा गया। विक्रम साराभाई को भारत सरकार तरफ से 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का पुरस्कार मिलते हैं। तत्पश्चात 1966 में पद्म भूषण पुरस्कार मिलते हैं। और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उसे 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। उनकी मृत्यु हो जाने 1970 में उसकी मृत्यु हुई थी। और उसकी मृत्यु होने जाने के बाद भी 1972 में उसको मरणोत्तर पद्म विभूषण अलंकरण से नवाजित किया गया।
निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। विक्रम साराभाई निशस्त्रीकरण संबंधित कई महत्वपूर्ण शस्त्र के बिना निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है शस्त्रों के बिना निशस्त्रीकरण महत्वपूर्ण कार्य करके अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट यूनियन के सदस्य रहे। विक्रम साराभाई को सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट का सदस्य बनाया गया। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल साइंटिस्ट का सदस्य बनाया गया। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के नियुक्त विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया और विक्रम साराभाई को 1968 राष्ट्र संघ के यूनेस्को के विभाग के सदस्य बनाया गया। तब उसके पश्चात जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। विक्रम साराभाई को तत्पश्चात 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय जो अणु मंच था उसका 14वीं परिषद का प्रमुख बनाया गया। 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के अध्यक्ष के बाद विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। 1971 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ था संयुक्त राष्ट्र संघ परिवार था उसके उपाध्यक्ष के बाद उसका प्रमुख उसे बनाया गया अध्यक्ष बनाया गया। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला शिक्षा समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। मात्र वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे लेकिन प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिक होने के बाद भी जो अपना निजी समय बचता था वो अपना पर्सनल समय में कला शिक्षा और समाज सेवा का छोटा मोटा कार्य करते रहते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई और विक्रम साराभाई के प्रयासों से ही अहमदाबाद में नेहरू विकास संस्थान की स्थापना होती है। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। जो नेहरू विकास संस्थान थी वहाँ सभी लोगों को उसके प्रति रुचि रहे उसके प्रति छोटा मोटा काम करे इसलिए विक्रम साराभाई उसमें काम करते थे। वह 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लोचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य और निरीक्षण के लिए भेजा गया। जब विक्रम साराभाई को थुम्बा के निकट त्रिवेंद्रम में कुछ निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था वह तारीख थी 21 दिसंबर 1901 होते। वह एक होटल में ठहरे हुए थे। विक्रम साराभाई को 21 दिसंबर 1971 की वह तारीख उसके लिए काली तारीख थी क्योंकि उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है इसलिए उसके वह तारीख को काली तारीख कहा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लोचिंग स्टेशन थुम्बा के कार्य निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो जाती है। जो होटल में रुके थे वहाँ विक्रम साराभाई की हृदय की गति रुकने से वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। विक्रम साराभाई जब तक जीवित थे
तब तक भारत देश को कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रयोगों करके भारत देश को खूब प्रयोग करके भारत देश को खूब आगे बढ़ाए, भारत देश का खूब विकास किया। लेकिन 1971 में जब उसकी हृदय की गति रुकने से उसका मृत्यु हो जाता है, तब विज्ञान का जो जीवन चक्र था, विज्ञान भारत देश को विज्ञान देने वाला, विज्ञान टेक्नोलॉजी भारत देश में विकसाने वाला जो चक्र था, वो चक्र सदा के लिए रुक जाता है। ऐसे ही महान प्रतिभा को सत सत नमन। जो ऐसी महान प्रतिभा थी विक्रम साराभाई, एक ऐसी भारत देश के लिए, हमारे लिए एक ऐसी महान प्रतिभा थी कि उसके प्रयोगों से आज हम जो विज्ञान टेक्नोलॉजी विकसाते हैं, विज्ञान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं, तो विक्रम साराभाई को इसका श्रेय दिया जाता है कि उसके परिश्रम से, उसकी बुद्धि से जो उसने जो कार्य किए हैं, भारत देश को जो विकास किया है, वो ऐसी प्रतिभावक प्रतिमा को आज हम सत सत नमन करते हैं। ऐसी प्रतिमा को हम कभी भी भूल नहीं पाते जो हमारे देश में ऐसे विज्ञान को उसने आगे बढ़ाया है, हमारे देश को ऐसे विज्ञान टेक्नोलॉजी दी है। ऐसे प्रतिभावन जो मूर्ति है, जो विक्रम साराभाई, उसे हम सत सत नमन आज हम करते हैं। तो अब हम इसका भाषांतर करेंगे। विक्रम साराभाई ने 1962 ની અંદર શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર નામનો એક પુરસ્કાર મળે છે ભારત સરકાર તરફથી। ત્યાર પછી 1966માં જો પદ્મભૂષણ પુરસ્કાર આપીને નવાજિત કરવામાં આવે છે। ત્યાર પછી 1972માં મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણ અલંકારો છે એને નવાજિત કરવામાં આવે છે। 1971ની સાલમાં વિક્રમ સારાભાઈનું મૃત્યુ થાય છે। ત્યાર પછી 1972ની સાલમાં એને પદ્મ વિભૂષણ એની આગળ મરણોત્તર એવો શબ્દ લગાડવામાં આવે છે, કારણ કે એના મૃત્યુ પછી એને જે ભારત સરકાર તરફથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે, એને જે પુરસ્કાર મળે છે, એટલે મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણ અલંકારોથી એને નવાજિત કરવામાં, સન્માનિત કરવામાં આવે છે। આમ વિક્રમ સારાભાઈને ભારત સરકાર તરફથી ઘણા પુરસ્કારો મળે છે અને એ પુરસ્કારો એના જે પરિશ્રમ ભર્યું, જે સાહસપૂર્વક જે કામ છે, જે ભારત દેશનું ઘણો બધો એને વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો વિકાસ કર્યો છે, ભારત દેશને ઘણા બધા આગળ લઈ આવ્યા છે, અને એ જે ખાસ કરીને પ્રયોગશાળા છે, એ પ્રયોગશાળાના પૂરેપૂરો જે શ્રેય છે વિક્રમ સારાભાઈને જાય છે। વિક્રમ સારાભાઈને સન 1966માં ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્ટિફિક યુનિયનના સભ્ય બનાવવામાં આવે છે। ત્યાર પછી 1968માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ યુનેસ્કો વિભાગના એને અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે છે। ત્યાર પછી ઇન્ડિયન જીઓલોજિકલ યુનિયનના પ્રમુખ બનાવવામાં આવે છે। ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ 1970માં વિયેના શાંતિ સ્વરૂપ આંતરરાષ્ટ્રીય અણુમંચની 14મી પરિષદના પ્રમુખ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે છે, જે 14મી પરિષદના પ્રમુખ બનાવવામાં આવે છે। 1971માં તેમને સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ તથા પછીથી વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે છે। તેઓ ફક્ત માત્ર ઉચ્ચ કોટિના વૈજ્ઞાનિક જ નથી, પણ જ્યારે પ્રયોગમાંથી તેઓ વ્યસ્ત થાય છે, જે સમય થોડો ઘણો બચે છે નાના મોટા પ્રયોગ કરવાથી, કે એ પ્રયોગશાળામાંથી જેવો ત્યારે સમય બચાવીને થોડાક ફ્રી રહે છે, ત્યારે તે શિક્ષા, કલા અને ખાસ કરીને સમાજ સેવાના કામોમાં પોતે લાગી જાય છે। કલા, શિક્ષણ અને સમાજ સેવાના કામો માટે તેઓ પૂરતો સમય આપે છે। તેમના જ પ્રયત્નોથી અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર તેમજ નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવે છે। તેમના પ્રયત્નોને લીધે જ અમદાવાદની અંદર લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવે છે। અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રૂચિ જગાડવા માટે સંસ્થાનો પ્રચાર કરે છે। ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને ત્રિવેન્દ્રમના લોચિંગ સ્ટેશન થુંબામાં કાર્યનું નિરીક્ષણ કરવા માટે મોકલવામાં આવે છે। ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને 21 ડિસેમ્બર 1971ની સાલમાં જે થુંબાથી નજીક છે ત્રિવેન્દ્રમ, જે ત્રિવેન્દ્રમના લોચિંગ સ્ટેશન થુંબામાં કાર્યનું નિરીક્ષણ કરવા માટે એને મોકલવામાં આવે છે।
ત્યાં તેઓ એક હોટલની અંદર રોકાયા હતા. અહીં જ હૃદયની ગતિ થંભી જતા તેમનું મૃત્યુ થાય છે. જ્યાં તેઓ હોટલમાં રોકાયા હતા ત્યાં તેના હૃદયના ધબકારાઓ જે ગતિ કરતા બંધ થઈ જાય છે, થંભી જાય છે, હૃદયના ધબકારાઓ થંભી જાય છે અને તે જ હોટલની અંદર તેમનું મૃત્યુ થાય છે. 21 ડિસેમ્બર સન 1971નો કાળો દિવસ હતો એમના માટે. તેમના અવસાનથી વિજ્ઞાનમાં નિત્ય નવા ક્ષેત્રોને જોડનારું એક જીવનચક્ર હંમેશાને માટે થંભી જાય છે. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના અવસાન પછી ભારત દેશ માટે જો વિજ્ઞાનનું જીવનચક્ર હતું, સતત ને સતત નવા વિજ્ઞાનો, નવા પ્રયોગો તે શોધ્યા કરતાં ભારત દેશનો વિકાસ થતો, ભારત દેશને કેટલું બધું નવું નવું વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી મળેલું છે, તો આ જે જીવનચક્ર જે ભારત દેશને આપનારું, વિજ્ઞાનના પ્રયોગો નવા નવા આપનારું જે જીવનચક્ર હતું, વિજ્ઞાનનું જે ચક્ર હતું, એ ચક્ર ભારત દેશને મળતું બંધ થઈ જાય છે. આવી મહાન પ્રતિભાને સતત નમન. આવી જે મહાન પ્રભાવશાળી જે મહાન પ્રતિમા છે, જે મહાન વ્યક્તિ છે આપણા માટે, ખાસ કરીને ભારત દેશ માટે, એ વ્યક્તિને આપણે આજે પણ એટલા જ યાદ કરીએ છીએ કે આપણે આજે જે કંઈ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી મળેલું છે, આપણે જે કંઈ વિજ્ઞાનમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ કે નવી નવી શોધો જે આપણે આજે મળેલી છે, આપણે જે આ જે બધી વસ્તુ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીની બધી વસ્તુ વાપરીએ છીએ, તો આવા પ્રયોગો દ્વારા જે કરવામાં આવેલી છે, તો આપણે આજે વિક્રમ સારાભાઈને ખૂબ જ યાદ કરીએ છીએ અને ખૂબ આપણે બે હાથ જોડીને એને સોસો નમન કરીએ છીએ, નમસ્કાર કરીએ છીએ. હવે આપણે વચન પરિવર્તન જોશું. વચન પરિવર્તન, લડકા તો લડકે, કિતાબ તો કિતાબે, નદી, ઉસકા બહુવચન હોતા હૈ નદિયા, લિફાફા, લિફાફે, નારી, નારિયા. સભી છાત્રો કો આજ હમને જો એકમ છે કા અભ્યાસ કિયા, તુમ સબકો અચ્છી તરહ સે સમજ મેં આ ગયા હોંગા. અબ હમ એસા હી એકમ લેકર અગલે તાસ મેં મિલેંગે, તબ તક કે લિયે ધન્યવાદ, થેન્ક યુ.